दोस्तों, स्नातक पास स्कॉलरशिप को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। वैसे तमाम छात्राओं के लिए जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई पास आउट की है, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में कई सारे अपडेट दिए गए हैं। वैसे तमाम छात्राओं के लिए जिन्होंने अभी तक स्नातक पास स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया है, या आपको हम बता दें, जो भी छात्रा है, जो आप भली बात जानते हैं, पहले इसके लिए जो प्रावधान थे वो 25,000 रुपये थे, और बाद में इसके लिए जो 50,000 की राशि जो तय की गई है, इन दोनों छात्राओं के लिए किनको 25,000 और किनको 50,000 मिलेगा, साथ ही साथ इसके लिए आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, कैसे सूची में नाम देख पाएंगे, उनकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। पिछले अगर 5 सालों में अगर आपने कभी भी स्नातक पास किया है, अगर आपके परिवार में कोई ऐसी छात्राएं हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, या आपके समाज में कोई ऐसे छात्राएं हैं जो स्नातक पास कर चुकी हैं उनको लाभ नहीं मिला है, तो उनको एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देख कर वो भी इस स्कॉलरशिप का लाभ ले पाए। ये उनके लिए अंतिम मौका होगा, इसके बाद जो है विभाग किसी भी प्रकार की उन्हें मौका नहीं देगी। अगर वो आवेदन नहीं करती है तो फिर भविष्य में भी उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए लास्ट नोटिफिकेशन जो है शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और चाहते हैं लगातार इस प्रकार की अपडेट आप तक मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी इस डिटेल में बताते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में। अभी आप देख पा रहे होंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन के संबंध में ये नोटिफिकेशन है। एक चीज़ क्लियर हो जाइए, इसके बाद कोई भी आपको मौका नहीं मिलेगा, या कोई भी छात्राएँ हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, अगर आप एक साइबर कैफे वाले हैं तो ज़रूर सूचित करें, अपने दुकान पर बैनर पोस्टर लगाएं इसके लिए, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं इसके माध्यम से भी शेयर आप जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ मिल पाए। ये ऐसी राशि है कि सभी छात्राओं को मिलती ही है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि राज्य के जितने भी अंगभूत कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटी है, जिससे अगर कोई छात्राएं डिग्री प्राप्त की हुई है, जिनका अगर डिग्री बताया गया कि 25/4/2018 से लेकर 31/3/2021 के बीच में अगर वो स्नातक पास की है, तो वैसे छात्राओं को ई कल्याण के पोर्टल से आवेदन कर सकती है, जिन्होंने आवेदन नहीं कर पाए हैं। अब समझिए कि ये जो आप देख रहे हैं, इस दोनों के बीच में जो पास होगी उन्हें 25,000 की ही राशि मिलेगी। अब ये जानकारी आपको पता कैसे चलेगा, तो आप अपना स्नातक का मार्कशीट देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिजल्ट पब्लिकेशन ऑन, जो देखिए इनका जो रिजल्ट है 13 मार्च 2021 में आई हुई है। अगर वो इसके लिए अप्लाई करती है तो उन्हें कितना राशि मिलेगा, 25,000, क्योंकि क्लियर देख रहे हैं इस डेट के बीच में ही इनको आवेदन करनी है और इनको 25,000 ही रुपए मिलेगी। ये जो पूर्व में जो छात्राएं पास आउट है उनके लिए ये मौका है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि पूर्व में इसका आवेदन करने की जो तिथि निर्धारण किया गया था वो 30 जून 2023 है, इसे पुनः विस्तृत किया गया है, क्योंकि बहुत सारे छात्राएं ऐसे हैं जो पूर्व में पास है लेकिन लाभ नहीं मिल पाई है, उन्हें 23 जुलाई 2023 तक आवेदन करने की मौका दी गई है। अब आइए जानते हैं इसके लिए आवेदन कैसे होगी, साथ ही साथ 50,000 की राशि किनको मिलेगी उसकी पूरी जानकारी, और अपनी सूची में आप नाम कैसे देखेंगे उसकी पूरी जानकारी हम बताएंगे, और जिनका सूची में नाम नहीं है उनको भी अप्लाई करना है, उनका भी आवेदन होता है, क्योंकि अभी हमने जो मार्कशीट आपको दिखाया इन कैंडिडेट का, उस सूची में नाम नहीं है, फिर भी आवेदन हमने किया है, फिर भी इनका आवेदन हुआ है। तो जिन छात्राओं को लाभ नहीं मिला है, सूची में नाम नहीं है, परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट आवेदन करिए, राशि 100% मिलेगी। आवेदन करने के लिए गूगल ओपन करना होगा, टाइप करना होगा ऑनलाइन अपडेट एसटीएम, फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा जिसको आपको ओपन करना है, और नीचे आप आएंगे तो एक सेक्शन आपको स्कॉलरशिप का यहां पर मिलता है, जिसमें आप देखेंगे बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप पिछले 4 सालों के छात्राओं को मिलेगी लाभ, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये
सेशन अगर आपका है इनमें से, आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जो हाल में भी पास आउट की है जो छात्रा है वो भी लाभ ले पाएगी। इसके लिए इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में आप देखेंगे, हमने दो लिंक आपके लिए उपलब्ध कराया है। पहला लिंक उनके लिए है जिनका रिजल्ट 25/4/2018 से 31/3/2021 तक आई है, तो आप इसके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वैसे छात्रा है, ये 50,000 इनको मिलेगी जिनका रिजल्ट 1/4/2021 से लेकर 31/10/2022 तक आई है, तो उनको यहां से आवेदन करना है। इनको जो मिलेगी 50,000 की राशि। देखिए 50,000 के लिए इस वीडियो को आप देखिएगा, 25,000 के लिए हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको डिटेल में समझाया है, दोनों का लाइव प्रोसेस बताया है, फॉर्म को प्रिंट तक की प्रोसेस है, तो इस वीडियो को देखकर आप अप्लाई कर लीजिएगा। लिस्ट में नाम अगर आपको देखना है तो यहाँ पर नीचे आएंगे, तो दोनों कैंडिडेट के लिए हमने दिया है कि इन बीच में अगर आपका रिजल्ट है तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा, इन बीच में अगर आपका रिजल्ट है तो यहाँ से आप लिस्ट को देख लीजिएगा। हमने आपको क्लियर किया, अगर लिस्ट में नाम नहीं भी है, राशि अगर आपको नहीं मिली है, आप आवेदन आँख मूंद के करिए, आपको राशि मिलेगी। जब आप आवेदन कर देते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर चुन लेंगे, अपना एक आधार नंबर डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने आपका स्टेट खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ जानकारी देखनी है कि फॉर्म सबसे पहले आपका फाइनलाइज है या नहीं है। देखिए इनका फॉर्म हमने खुद फाइनलाइज किया है, तो यहाँ पर इनका फॉर्म दिखा रहा है कि कब फाइनलाइज हुआ है, इनका आधार भी वेरीफाई हो चुका है, यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो भी इनका अपडेट है, साथ ही साथ अकाउंट भी वेरीफाई है। अब यूनिवर्सिटी इनका वेरिफिकेशन करेगी, जैसे ही ये वेरिफिकेशन इनका कंप्लीट होता है फिर इनका जो राशि है इनको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर जो अभी छात्राएं आवेदन कर रही है 25,000 या 50,000 के लिए, तो उनकी राशि जो है करीब 2 महीने का समय लगेगा, आपको राशि मिल जाएगी। तो सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे आपको उपलब्ध करा दी गई, नोटिफिकेशन को आप यहां से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, और दोनों वीडियो को देखिएगा जिसमें हमने पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया है फॉर्म कैसे अप्लाई आप कर सकते हैं। अभी आपने देखा, हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया, इस स्कॉलरशिप का लाभ आपको कैसे मिलेगी, किनको मिलेगी, कैसे आवेदन करनी है, जिसकी सारी जानकारी हमने बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और उन तमाम छात्राओं के साथ शेयर करिए जो अभी तक इसका लाभ नहीं ले पाए हैं, वो किसी भी प्रकार से इसका लाभ ले पाए, क्योंकि इसके बाद कोई भी उसे मौका नहीं दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।